और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है, हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियाँ या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और हमारे जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं, ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन, या सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग। और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से जिसमें आपको लगता है मजबूर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर, एक वॉर सॉन्ग जो है जो जीवी सर ने दिया है, जिस पे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं। मुश्किल बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क कंगना पहले कर चुकी थी। इतना होमवर्क तैयार था कि इनफैक्ट मैं, जीवी और को जब हम बैठे हैं तो मुझे ये लगा कि खाली इस म्यूजिक को रिकॉर्ड होके प्ले होना बाकी है, बाकी इनके दिमाग में सब कुछ है। तो जब इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आपको अप्रोच करता है ना फिल्म मेकर, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप खुश होते हो कि चलो मैं एक ऐसी फिल्म पे काम करने वाला हूँ जिसमें हर चीज़ की क्लैरिटी है। दूसरा, आपको घबराहट होती है कि आपका डायरेक्टर इतना जानता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गाना अप्रूव नहीं होगा। फिर भी आपने मुझसे कुछ गाने तीन बार लिखवाए हैं। That speaks about what she wanted, what kind of clarity she has in her mind. लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एक गीत जिसका भी कन्ने ने जिक्र किया, सरकार को सलाम है जी, वो शायद पिछले कई बरसों में, कई डेकेड्स में कोई सार्केसिज्म पे गाना। देखिए, जब इमरजेंसी का जमाना था तो सारे पोएट, सारे कवि जागे हुए थे नींद से। बाबा नागार्जुन इंदिरा जी से पूछते थे उनके सामने मंच पे, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। क्या बात है।